हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीपी चौधरी में। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, आपके लिए नए नए वीडियोस में लाता रहता हूँ मशरूम से संबंधित। और आज इस वीडियोस में हम बात करेंगे पैरा मशरूम के बारे में। और इस वीडियोस में पैरा मशरूम का फुल जो कल्टीवेशन का प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पैरा मशरूम, जैसा कि आपको पता है, पैरा मशरूम का खेती इस तरीके से पुआल के किया जाता है। ये देख सकते हैं कि ये पुआल है गांव में, ये पैरा पे इसका खेती किया जाता है। तो ये पुआल को सबसे पहले, पुआल के ऊपर वाले हिस्से को ये कट किया जाता है इस तरीके से। ये ऊपर वाले जो हिस्से को कट करने के बाद यहाँ पे बीच से एक कट लगाया जाता है। जैसा कि समझाने के लिए मैं दिखा दूँ तो कुछ इस तरीके से बंडल्स को बनाया जा रहा है, ये बंडल्स बांधा जा रहा है। अब इसमें क्या किया जाएगा, ऊपर के हिस्से को यहाँ से कट कर दिया जाएगा। ये जितना भी पतझड़ वाली चीज़ें हैं, जहाँ पर फली वाली जगह है, ये जगह यहाँ से हटा दिया जाएगा। और फिर जगह हटाने के बाद यहाँ से बीच से कट लगाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से फली वाले भाग को कुछ हसिया के मदद से इस तरीके से काटा जा रहा है। और काटने के बाद इस बंडल्स को दो बंडल्स में विभाजित कर दिया जा रहा है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि ऐसे आपको बंडल्स को कट कर लेना है। और कट करने के बाद आप देख सकते हैं कि दो भागों में ये अच्छे से विभाजित हो जाएगा। और दो भागों में बंटने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखता है। देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार ये दो भागों में विभाजित होने के बाद दिखता है। और यहीं से शुरुआत होता है पैरा मशरूम का कल्टीवेशन। तो इस तरीके से पैरा मशरूम को जैसे यहाँ पे कट लगा लिया है दीदी लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे, और कट लगाने के बाद देख सकते हैं कि दो बराबर बराबर भागों में ये बट गया है। ये बंडल्स का अगर हम साइज़ का बात करें तो जो ये इसका हाइट है इस तरीके से, ये हाइट आप 1 फीट से 1.5 फीट रख सकते हैं। हम लोग रखे हैं इसको 14 इंच का। और इसका जो मोटाई का बात करें तो 5 से 6 इंच का आप रख सकते हैं। हम लोग इसको 5.5 इंच 6 इंच के आसपास रखे हैं। तो इस तरीके से बंडल्स को बांध लेना है। इतना सारा बंडल्स देख सकते हैं आपके सामने बंधा हुआ है कुछ इस तरीके से। और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का ये बंडल्स है। जब भी ऐसा आप पुआल का चूज करें तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान दें कि अगर ये जो पुआल आप चूज कर रहे हैं ये बारिश में भीगा हुआ ना हो, फ्रेश पुआल ही हो। जितना फ्रेश पुआल होगा उतना ही अच्छा प्रोडक्शन आएगा। तो इस तरीके से काटने के बाद इसको स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज करने के लिए इधर देख सकते हैं कि पूरा ड्रम्स, हम लोग ड्रम्स में स्टरलाइज करते हैं कुछ इस तरीके से। और स्टरलाइज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रम है, और ये एक ड्रम है, और एक ड्रम में क्या है कि 180 लीटर पानी है। ये 200 लीटर का ड्रम है, आपको तो पता ही होगा 200 लीटर का ड्रम है, इसमें 180 लीटर पानी लिया गया है। अब 180 लीटर पानी में आपका ये फॉर्मलिन बाउस्टीन और चूना पाउडर डाल के ट्रीटमेंट किया जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं ये बाउस्टीन पाउडर है, इसको 15 ग्राम इसमें डाला जाता है। ये जो फॉर्मलिन है ये 200 ml इसमें डाला जाता है। और बात करें अगर चूना पाउडर का, जो चूना पाउडर मार्केट में नॉर्मल आता है, इसमें 100 ग्राम डाला जाता है। चूना का काम ये होता है कि जो इसका पीएच होता है, वाटर का पीएच इसका बढ़ाता है। और इसमें अगर कुट्टी को डालते हैं तो उसका पीएच अच्छे से उच्च होता है, जिससे कि आपका कंटामिनेशन और सारे फंगस का टेंशन कम होता है। तो इस तरीके से हम लोग घोल बनाए हैं। जैसे हम लोग को ये 3 ड्रम है, हम लोगों के पास 3 ड्रम स्टरलाइज करने वाले हैं। तो इसमें 45 ग्राम बाउस्टीन पाउडर का घोल बनाए हुए हैं। तो 45 ग्राम ये बाउस्टीन पाउडर जो है, इसका घोल कुछ इस प्रकार बनाए हुए हैं। देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये सफ़ेद कलर का है। और घोल बनाने से ये फ़ायदा होता है कि इसमें पानी में ये जो रसायन है अच्छे से घुल मिल पाते हैं। तो इस तरीके से घोल बना करके ही आप डालें। आप चाहें तो वैसे आप क्रिस्टल के रूप में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से रहने से काफ़ी अच्छा रहता है। तो सभी में एक बराबर भागों में इन रसायन को डाल लेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये कप है, और इसमें एक एक कप तीनों में डाल चुके हैं। लगभग ये 6 कप वाटर होगा, तो 3 डाल चुके हैं, फिर एक एक कप इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से इसमें हम लोग 3-3 करके डाल दिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है तो फिर सब में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से इसमें पूरा डाल चुके हैं हम लोग। और पानी का कलर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दिख रहा है, इस प्रकार कुछ पानी का कलर दिख रहा है। और फॉर्मलिन जो है इस तरीके से, ये आपका 200 ml का है, 200 ml का है। तो 200 ml करके तीनों में 600 ml डाल देंगे इस तरीके से। ये 200 ml अभी पूरा होता है इतना पे,
तो 200 ml इसमें डाल दिए, फिर से 200 ml हुआ, ये इसमें डाल दिए, और ये इसमें डाल दिए, तीनों में हो गया। अब बारी आता है चूना पाउडर का, तो चूना पाउडर तीनों में 100-100 ग्राम के हिसाब से हम डालेंगे। तो चलिए फटाफट चूना पाउडर ला लेते हैं और इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे चूना पाउडर देख सकते हैं, ये 300 ग्राम चूना पाउडर है, इसको तीन भागों में बांटा गया है और इस तरीके से एक एक में 100-100 ग्राम डाल लेंगे। तो इस कुछ इस तरीके से 100-100 ग्राम इसमें डाला जा रहा है, तो 100-100 ग्राम जल्दी से इसमें सारे में डाल दीजिए। तो कुछ इस तरीके से 100-100 ग्राम डाला जा चुका है और ये बचा लास्ट, इसमें भी डाल दिए। अब समय आता है कि ये जितना भी हम लोग रसायन डाले हैं स्टरलाइजेशन के लिए, इसे अच्छे से पानी में घुल पाए। तो उसके लिए ऐसा देख सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ ले लेना है और इसमें डाल करके कुछ इस तरीके से हाथ से कुछ इस तरीके से पूरा अच्छे से मिला देना है। और देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिल चुका है, और ऐसे अच्छे से मिलने के बाद जो हमारा वहाँ कटिया था, देख सकते हैं वहाँ जो कटिया है उसको ला के इसमें हम लोग डालेंगे। तो इधर देख सकते हैं कि अब इसमें कटिया को डाला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस कटिया को लेके चलेंगे जहाँ पे हम लोग को इसका स्टरलाइजेशन करना है। फिर लेकिन बिल्कुल ये देख सकते हैं कि जितना भी ये कटिया है ये बिल्कुल एकदम चमकता हुआ है कुछ इस तरीके से। आपको भी ऐसे एकदम फ्रेश चूज करना है, तो फटाफट चलिए लेके चलते हैं। तो इधर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अगर हमको इसको भिगोना है तो ऐसे लाइन से इसमें डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे कटिया को लाइन से इसमें डालेंगे। तो चलिए फटाफट पूरे ड्रम में इस कटिया को भर लेते हैं। इधर देख सकते हैं कि जो पानी के प्रेशर के कारण जो पुआल हम पानी में डाल रहे हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जा रहा है। तो इसको पैरों से अच्छे से दबा लेना है कुछ इस प्रकार। और अभी ये दो ड्रम में हम लोग डाल चुके हैं। इस तरीके से पैरों से दबाने से क्या होगा कि अच्छे से जो पुआली है वो अंदर जा पाएगा। तो अभी और भी जो स्टरलाइज करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लाया जा रहा है, इन तीनों ड्रम को अच्छे से फिल किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से तीनों जो ड्रम्स है वो अभी भरा जा चुका है। और ये जो ड्रम्स का ऊपर का ढक्कन होता है ड्रम काटने से पहले, उसको इस तरह से लगा करके इसको रखेंगे ताकि पानी के प्रेशर से ये ऊपर ना आए। तो इस तरीके से जो ड्रम्स का ये है उसमें लगाते हैं और देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से। आप चाहें अगर आपके पास ऐसे ड्रम्स के ढक्कन नहीं है तो आप पत्थर का यूज करके, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है इसका यूज करके इसके ऊपर से प्रेशर को रोक सकते हैं और पुआल को अच्छे से स्टरलाइजेशन के लिए छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों का तीनों जो ड्रम्स है ये अभी फुल हो चुका है, ऊपर से जो ढक्कन है इसको भी लगाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों का तीनों ड्रम्स जो है भर चुका है, फुल हो चुका है, और इस ढक्कन के मदद से इसका ढक्कन भी लगाने पर ये देख सकते हैं कि प्रेशर आने पर भी ये ऊपर नहीं आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसको अच्छे से प्रेस करके भर लेना है। अब बारी आती है इसके ऊपर ये जो इसका मुंह है यहाँ पे बोरी लगा करके बांधने का। तो इसके लिए देख सकते हैं कि इस कुछ इस प्रकार का जो बोरियां आती हैं इसका यूज कर सकते हैं, पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं, जो अंदर गैस बनता है स्टरलाइजेशन के टाइम वो बाहर नहीं निकलता है जिसके कारण स्टरलाइजेशन अच्छे से हो पाता है। तो कुछ इस तरीके से बोरियों को अभी रस्सी से बांध लेंगे, कुछ इस तरीके से रस्सी से इसे बांध लेंगे। और बांधने के बाद इसको लगभग
12 से 16 घंटा के लिए छोड़ देंगे। 12 से 16 घंटा में इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाता है और जो हम लोग इसमें स्टोर डाले हैं वो 12 से 16 घंटा में अच्छा से पानी को एब्जॉर्ब कर पाता है। तो कुछ इस तरीके से इसे बांध लेना है और अभी ये बांधा जा चुका है लगभग, देख सकते हैं कि बांधने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके से ये जो ड्रम्स है इसको 16 घंटा के लिए छोड़ेंगे और 16 घंटा के बाद हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों जो हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए इधर पुआल को डाले हुए थे उसका जो है अभी देख सकते हैं लगभग 16 घंटा पूरा हो चुका है और 16 घंटा में ये अच्छे से स्टरलाइज हो चुका है। अब समय आता है कि जो ये पुआल इसमें डाला गया है इसे बाहर निकाल करके और इसमें जितना पानी है उसको निथरने के लिए रखने का। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार ये अभी दिखता है। तो इधर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये पैक्ड था और कुछ इस तरीके से। और यहाँ दिखाइए, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये हम लोग स्टॉक को डाले हुए थे इस बंडल को डालने के बाद ये अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है और ये सोख करके पानी को अच्छे से रखा है। अगर इसे दिखाएं तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है पानी की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो इस पानी को हमको ऐसा करना है कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को निथरने के लिए रखना है। तो पानी को निथरने के लिए रखने के लिए इधर देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर बनाया गया है और यहाँ पे खड़ा करके पूरा जो ये स्टॉ है इसे खड़ा करके रखा जाएगा। स्टॉ को यहाँ पे रखने से पहले इसको सबसे पहले इसको स्टरलाइज करना पड़ेगा। इस पर जो जितना भी अगर अदर फंगस या कोई भी चीज़ बैक्टीरिया होगा तो उसे मारना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऐसे स्प्रेयर मशीन ले लेना है, आपके वहाँ अगर छोटा स्प्रेयर मशीन है तो उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। और ये फॉर्मलिन है और इस घोल को हल्का सा इसमें डालना है लगभग 5 ml या 10 ml 1 लीटर पानी में और इसको अच्छे से इसका घोल बना लेना है जैसा कि देख सकते हैं। और घोल बनाने के बाद जैसे ही अच्छे से मिल जाएगा फिर इसको अच्छे से इस मशीन के सहायता से अच्छे से इसको ट्रीट कर लेंगे ताकि जितना भी इसमें आपके कीटाणु हो या किसी भी प्रकार का फंगस हो वो हमारे स्टॉ में ना आए और ये पहले ही मर जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट हो चुका है और काफ़ी अच्छे से ये फॉर्मलिन का जो पानी होता है उससे ट्रीट हो चुका है। और अभी हम मशीन को कर लेंगे क्लोज और मशीन को कर लिए क्लोज और इधर देख सकते हैं कि जो ये पैडी है जो ये धान के पुआल है इसको पानी निथरने के लिए सीधा सीधा करके रखेंगे ताकि जल्दी से, जैसा कि देख सकते हैं अगर ऐसे रखेंगे तो थोड़ा सा पानी निथरने में टाइम लग सकता है और इसे अगर इसे सीधा करके रखेंगे तो देख सकते हैं नीचे जो है पानी अच्छे से टपक रहा है। तो इसको लाइन से ऐसे लगाएंगे पानी निथरने के लिए जितना भी इसमें का स्टॉ होगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। जितना भी बंडल्स है धीरे धीरे निकाल करके ऐसे रख लेंगे। तो चलिए फटाफट जितना भी ड्रम में रखा हुआ है स्टॉ उसको निकाल के लगा लेते हैं पानी निथरने के लिए।
और कुछ इस प्रकार जितना भी ड्रम्स में मटेरियल था वो अभी निकाला जा चुका है और इसको इस स्थिति में लगभग 5 घंटा रखना पड़ता है। जैसा कि इधर देख सकते हैं कि जो पानी है वो कुछ इस प्रकार निथर रहा है। इसको एक्स्ट्रा पानी जो होता है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होता है निथरने में, निकलने में लगभग 4 से 5 घंटा लगता है। तो कुछ इस प्रकार 4 से 5 घंटा इसे रखना है, जब तक रखना है जब तक कि इसमें जो है 70% के आसपास नमी पैरे में ना बच जाए। तो इसको सबसे पहले ऐसे रखने के बाद हमको लेना है तिरपाल कुछ इस प्रकार, और तिरपाल को पहले फॉर्मलिन के जो पानी से उसको ट्रीट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट के बाद इस तिरपाल को इसके ऊपर पैरे के ऊपर ढक देना है ताकि कोई भी मक्खी मच्छर इस पे ना बैठ पाए। तो कुछ इस प्रकार इसको ढक के रख देना है। तो इस प्रकार जो है इसमें का जो पानी है निथरने के बाद लगभग 5 या 6 घंटे बाद इसको हम स्पॉनिंग करेंगे और वो भी आगे हम दिखाएंगे कि किस प्रकार स्पॉनिंग इसका होता है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि आपका 6 घंटा हो चुका है और हम देखेंगे कि 6 घंटा में क्या इसमें का जो मॉइस्चर है वो पैडी मशरूम स्पॉनिंग के लिए रेडी हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो अभी ये 6 घंटा में पानी लगभग पूरा निथर चुका है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, और एक को हम उठा लेते हैं। इधर देख सकते हैं कि जो इसमें मॉइस्चर है वो मॉइस्चर लगभग आ चुका है। आप बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो पैडी स्ट्रॉ स्पॉनिंग के टाइम जो पैरे में नमी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो इस पैरे को हाथ में लेकर के ऐसे दबा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार इसमें 1-2 बूंद जो है पानी टपक रहा है और हाथ में पानी लग रहा है। बस इतना ही नमी इसमें चाहिए। और इस नमी को लेकर के देख सकते हैं कि और भी इधर पैरा इस साइड में अगर हम हाथ से प्रेस कर रहे हैं तो पानी हल्का फुल्का इसमें हाथ में लग रहा है और हल्का फुल्का जो नीचे 1-2 बूंद के आसपास नीचे पानी इस प्रकार कुछ टपक रहा है। तो ये पैरा जो है अभी स्पॉनिंग के लिए रेडी है और इसे हम लोग अब ले चलेंगे फार्म में जहाँ पे पैरा मशरूम का स्पॉनिंग होगा। तो चलिए इसे लेके चलते हैं। दोस्तों अभी आ चुके हैं जो स्पॉनिंग रूम है जिसमें हम लोग पैरा मशरूम का खेती करेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं कि सेट को जो है रेडी किया गया है। यहाँ पे बांस का वो स्ट्रक्चर बनाया गया है, लगभग 3 लेयर में इससे डिवाइड है स्ट्रक्चर। और यहाँ देख सकते हैं ऊपर जो है आपका ये ऊपर जो है करकट है, और करकट होने के वजह से क्या है कि इसमें टीन के सेट से जो होता है उष्मा रिलीज होता है जिससे कि टेम्परेचर काफ़ी अच्छे से इसमें मेंटेन हो पाएगा। अगर बात करें टेम्परेचर का तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि ये हमारा हाइग्रोमीटर है और हाइग्रोमीटर में लगभग ये 34.6 यानी कि 34.5 डिग्री सेल्सियस और ये लगभग 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर अभी जा रहा है। ह्यूमिडिटी देख सकते हैं कि अभी कम है, इसमें पानी का स्प्रे बनाए रखना पड़ेगा ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए। तो कुछ इस प्रकार टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इसमें बन रहा है। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बन रहा है इसमें, ये आपका पैरा मशरूम के लिए एकदम बेस्ट है। और इधर देख सकते हैं कि आपको जो बंडल्स बनाने हैं पैरा मशरूम का, उससे पहले क्या करना है, ये जो है बेसन है, ठीक है, ये चना का बेसन है प्योर, और इसके साथ साथ ये 1 किलो लिया गया है, और इसके साथ साथ जो है ये आपका चोकर है। तो कुछ इस प्रकार 1 किलो चना का बेसन ले लेना है और इसमें 1 किलो चोकर फिर ऐड करना है। दोनों का अगर मात्रा का बात करें तो दोनों का 50-50% मात्रा रहता है। तो ये जो चोकर है ये अच्छे से और बेसन को हम लोग मिक्स कर लेंगे।
तो इस बड़े पात्र में रख करके कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है, और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये जो चोकर है और बेसन है अच्छे से आपस में मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको हम लोग रख लेंगे। तो इधर इसे रख लिए मिक्स करके। अब दूसरा चीज़ का जो रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम लोगों को, वो रिक्वायरमेंट पड़ेगा हम लोगों का इस पान का। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो ये पैरा मशरूम का इस पान होता है, ज़्यादातर लोग बोतल्स में बनाते हैं, और ये जो बोतल होता है ये अच्छे से ज़्यादा समय तक इसमें टिक पाता है, और जबकि इसका माइसिलियम कमज़ोर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ज़्यादातर लोग बोतल में बनाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से ये बोतल में है, बोतल है, और ये बोतल को हम तोड़ना पड़ेगा इस पान को लेने के लिए। तो सबसे पहले अभी हाथ थोड़ा गंदा हो चुका है, तो इसे साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हाथ जो है अच्छे से साफ़ हो चुका है, और ये बोतल्स है, तो बोतल को तोड़ने के लिए बहुत ही बारीकियाँ बरतनी पड़ती है। सबसे पहले इस कॉटन को निकाल लेते हैं और इसे आपस में टकराएंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बोतल का जो है ये टूट चुका है, और इसे आराम से इस जो कांच है इसको धीरे से यहाँ से निकाल लेंगे। और ये आपका देख सकते हैं कांच निकल चुका है, थोड़ा बहुत स्पॉन्ज जो है उसमें जाएगा आपका, और ये जो शीशा है इसे बहुत ही बारीकी से निकालना है, नहीं तो ये हाथ में आपके गड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये जो बोतल्स है इसे इस तरीके से कुछ एकदम बारीकी से इसको निकालना है। तो देख सकते हैं कि ये बोतल में कुछ इस तरीके से इस पान दिख रहा है, और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो देख सकते हैं कि जो पतला पतला ये रेशानुमा संरचना है, पास से इसे दिखाइए, ये जो पतला पतला रेशानुमा संरचना है यही माइसिलियम है, और यही जो माइसिलियम है भूसे पे अपना अधिकार जमाता है, और वहाँ पे भूसे में फैल के फिर वहाँ से फलनकाय का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसको सबसे पहले देख सकते हैं कि ये जो कांच है थोड़ा बहुत लगा हुआ है, तो कॉटन से इसको अलग कर लेंगे कुछ इस प्रकार। कॉटन से अलग कर लिए हैं, और फिर इस पान को इसमें रख देंगे कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये मुलायम है इस तरीके से, और काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरीके से छोटा छोटा इसका टुकड़ा जो है उसको अलग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। छोटा छोटा टुकड़ों में इसलिए हम लोग इसे तोड़ रहे हैं, ताकि जो है बैग में इसे छोटा छोटा टुकड़ा बना कर के ही रखना पड़ता है, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा है। तो वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छे से विभाजित कर लें कुछ इस प्रकार। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्पान को प्रेस ना करें, हल्के हाथों से मुलायम हाथों से स्पान जो है उसको प्रेस करें, क्योंकि इसका जो माइसिलियम होता है काफ़ी वीक होता है और वो डैमेज हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि पूरे जो स्पान था उसे छोटे छोटे इस प्रकार कुछ टुकड़ों में हम लोग बांट चुके हैं, जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है। तो इस तरीके से अब इसका ये रेडी हो गया है अब स्पॉनिंग करने के लिए। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि ये जो बांस का स्ट्रक्चर है इसी पे ये बंडल्स रख करके इसमें स्पॉनिंग होगा। तो ये बिजाई से पहले आप कोशिश करें कि अगर ज़्यादा दिन से आपका फार्म अच्छे से ट्रीट नहीं है, चाहे कुछ ऐसा जिसमें गंदगी है, तो 1 लीटर पानी ले लें, जिस पानी में 3 ml फार्मलिन ले लें, उसका घोल बना के बांस को कपड़े से अच्छे से पोंछ लें, ताकि कोई भी इन्फेक्शन का चांस ना आए। तो नहीं तो आगे चल के क्या होता है कि ऐसे गंदगी में ही बैग फिलिंग कर देते हैं, जिससे आगे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो ऐसे इसे बांस को साफ़ कर लें, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये साफ़ हो चुका है। तो अब इस बंडल को हम डालेंगे, देख सकते हैं कि ये आपका एक बंडल है, और बंडल का मोटाई लगभग ये 5 से 6 इंच है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग बंडल्स को रखेंगे, एक बंडल्स हो गया ठीक है, एक बंडल्स के बाद फिर सेकेंड बंडल्स भी हम यहाँ पे रखेंगे। तो सेकेंड बंडल भी हो गया,
फिर इस तरीके से एक और बंडल को लेंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे। देख सकते हैं कुल का कुल ये 3 बंडल्स है और काफ़ी अच्छे से ये बिल्कुल ये समतल है। इस तरीके से ये हो गया आपका। और अब हम लेंगे स्पॉन, तो ये आपका स्पॉन है, देख सकते हैं, जिसको हम काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके रखे थे। तो ये स्पॉन है, थोड़ा सा और छोटा टुकड़ा कर लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टुकड़ा दिख रहा है। एक यहाँ रख देंगे, फिर इसके जस्ट बगल, फिर ये स्पॉन है और इसको यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ पे एक स्पॉन का टुकड़ा रखेंगे और फिर यहाँ पे एक और स्पॉन का टुकड़ा और फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि छोटे छोटे जितने भी स्पॉन के टुकड़े हैं कुछ इस प्रकार से इस पर रख देना है। 3 बंडल्स है और इसमें देख सकते हैं 9 जगह यानी 9 जगह ये स्पॉन को इस तरीके से रखा गया है। अब जो आप चोकर और ये बेसन को बनाए हुए हैं, उस चोकर और बेसन को ऐसे लेना है और थोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं इस पर डालना है, कुछ इस प्रकार चोकर और बेसन को इसके ऊपर डाल देना है इस तरीके से। और ये चोकर और बेसन का अलग अलग काम होता है, जैसे कि अगर आपके पैरे में ज़्यादा नमी है तो ये चोकर और बेसन उस नमी को सोखेंगे भी और ये जो स्पॉन है इसको प्रोटेक्ट करेंगे, नमी ज़्यादा नमी से बचाएंगे और इसको नमी से बचाने के साथ साथ पोषक तत्व भी देंगे, क्योंकि आपको पता है बेसन में, चना के बेसन और ये जो चोकर है इसमें काफ़ी सारे तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए लाभदायक होते हैं। तो इधर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार एक लेयर हम लोगों का हो गया। तो इसे नज़दीक से दिखाइए आप, इस तरीके से आपका एक लेयर हो गया इधर। और एक लेयर ऐसे करने के बाद फिर से इसके ऊपर बंडल्स लगाने पड़ते हैं। तो ये एक लेयर आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम सेकेंड लेयर कैसे लगाएंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं, इस तरीके से बंडल्स को लेंगे और ऐसे करके रखेंगे इसके ऊपर। बंडल्स को सही तरीके से रखें और कोशिश करें कि कुछ इस प्रकार रखें कि देखने में सुंदर लगे। और देख सकते हैं, और इस बंडल्स को इधर हम रख देंगे। देख सकते हैं दोनों तरफ बंडल्स को हम लोग रख दिए हैं इस तरीके से, और फिर बीच में एक बंडल्स को डाल देंगे इस तरीके से। तो इधर देख सकते हैं कि जो नीचे का ये बंडल्स है ये पूरब और पश्चिम के दिशा में रखा हुआ था। उसके बाद हम लोग स्पॉन डाले, स्पॉन डालने के बाद ये जो दूसरा लेयर है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से, तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये डाला गया है। अब फिर क्या करेंगे, ये स्पॉन लेंगे, ये आपका स्पॉन हो गया स्पॉन, और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये चौथा जगह और ये 5वां, ये 6ठा जगह, और जस्ट 3 और डालना है हमको इस तरीके से, 1 2, और ये हो गया 3रा। तो इस तरीके से फिर से ऊपर वाली लेयर में भी ऐसे डाला गया है और फिर वही प्रोसेस करेंगे, चोकर और जो बेसन है इसके ऊपर डाल देंगे। तो चोकर और बेसन कुछ इस प्रकार इसके ऊपर डाल देंगे, दोस्तों। वीडियोस लंबा हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारा सोच ये है कि अगर ये वीडियोस आप देख रहे हैं तो इस वीडियोस के बाद आपको कोई और वीडियोस पैरा मशरूम उगाने के लिए ना देखना पड़े, तो आप वीडियोस पे बने रहिए। तो इस तरीके से ये हो गया आपका, चोकर और बेसन डला चुका है। अब क्या करेंगे, फिर से एक लेयर लेंगे इस पर, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, और फिर से इसके जैसे ये ऐसे रखा हुआ था, अब जस्ट इसके अपोजिट रखेंगे इस डायरेक्शन में, ताकि जो ये बेड है ये मजबूती से टिक पाए, रुक पाए। तो ये पहला बेड हो गया, ये आपका दूसरा बेड हो गया, और इसके साथ साथ ये आपका तीसरा बेड हो गया। तो कुछ इस प्रकार 3 बेड हो गया है, बेड का साइज़ देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 3 बेड हो चुका है। फिर इसके ऊपर एक स्पॉन का वही फिर से लेयर डालेंगे इस तरीके से,
इस पूरे बेड्स में लगभग 200 ग्राम स्पॉन का खपत हो जाता है एक बेड को बनाने के लिए, अगर बढ़िया से बेड बनाते हैं तो कुछ कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। ऐसे फिर से रख लेना है और फिर इसके उसके ऊपर से वही प्रोसेस है चोकर और बेसन वाला। चलिए डाल लेते हैं। तो चोकर और बेसन को पूरा हम लोग डाल चुके, अब फिर से इसके ऊपर क्या करेंगे, इस बार इतना ये तीन का लेयर हो गया, आप चाहें तो एक लेयर और भी इतना ऊपर चढ़ा सकते हैं। और इसके लिए ये जो पतला पतला देख सकते हैं इस तरीके से इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद इसको इसके ऊपर कुछ इस प्रकार बिछा देंगे। ये वाला लेयर जो है बहुत ज़्यादा आपको मोटा नहीं करना है, कोशिश करना है आपका बेड अच्छे से टिका रहे। कुछ इस प्रकार इसको भी हम खोल लेंगे। देख सकते हैं इधर खुल गया और ये फिर ऐसे इस पर बिछा देंगे। बिछाने के बाद देख सकते हैं बेड आपका कैसा दिख रहा है। फिर हल्का सा इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे कि चारों तरफ का जो है पुआल अच्छे से एक दूसरे में चिपक सके इस तरीके से। तो ये जो आपका बेड है ये एकदम बनके तैयार है। कुछ इस प्रकार आप पास से दिखाइए किस तरीके से ये बेड बना हुआ है और कैसा दिखता है। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं कि काफ़ी जो है अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है। ऐसे करके जितना भी बैग्स है बेड्स है उसको ऐसे लाइन से फिल कर लेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे कि पॉलीथीन से ढकेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग पूरा लाइन बेड्स से भर लेते हैं, उसके बाद पॉलीथीन से ढकते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं कि पूरा जो बेड्स है कुछ बेड्स अच्छे से लगा लिया गया है। तो इस तरीके से आपको भी बेड्स को लगा लेना है और फिर ये बेड्स को फिल करने के बाद बारी आती है कि इसको अच्छे से बांधना होता है पॉलीथीन में। ताकि पॉलीथीन में इसलिए बांधा जाता है ताकि जो माइसिलियम होता है वो अच्छे से इस जो पैडी है इसमें अच्छे से उसका रन कर पाए। तो इसलिए ये देख सकते हैं कि ये पॉलीथीन है कुछ इस तरीके से, और ये इससे हम अच्छे से इसे कवर कर लेंगे ताकि इस पर डायरेक्ट हवा और जो भी है डायरेक्ट हवा के साथ साथ अदर चीज़ें ना लगे और इसमें जो माइसिलियम जो है अच्छे से रन हो। तो कुछ इस तरीके से आपको भी ले लेना है ऐसा पॉलीथीन और ऐसे करके ढक करके अच्छे से इसे पैक कर देना है। और ये पैक जो होता है लगभग 5 दिनों के लिए रखा जाता है। तो चलिए फटाफट ऐसे सारे बेड्स को ऐसे पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं। तो इस तरीके से रस्सी भी ले लेना आपको बांधने के लिए,
और ऐसे अच्छे से बांधना है ताकि इसमें जो है हवा ज़्यादा ना घुसे, और ये अच्छे से हवा डायरेक्ट नहीं लगेगा तो इसमें माइसिलियम जो है काफ़ी अच्छे से रन करेगा। नीचे भी एकदम अच्छे से लगाना है ताकि अच्छे से जो पूरा बैक बेड जो है ढकिया रहे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे बंडल्स को अच्छे से एकदम टाइटली पैक्ड कर दिया गया है। ये पैक होने के बाद जो माइसिलियम होता है, जो कि हम बीज इसमें डाले हुए थे, जो कि अच्छे से इसमें रन करेगा। ये रनिंग का टाइम बता दें तो 5 से 6 दिन इसमें लग सकता है पूरा का पूरा जो है इसमें माइसिलियम रन होने में। इस बेड्स को, ये जिस ऊपर का पॉलीथीन है, इसको लगभग 5 से 6 दिन में हटाया जाता है और इसमें देखा जाता है कि माइसिलियम कितना रन हुआ है। रनिंग के हिसाब से इसमें एयर को बैलेंस किया जाता है, फ्रेश एयर का आगमन बनाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप भी पैरा मशरूम का खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बैगों में जितना भी एक्टिविटी होगा आपको वो वीडियोस इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाला जितना भी वीडियोज़ है पैरा मशरूम के बारे में वो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी हमारे साथ ऐसे वीडियोस पे बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि हम आगे और सारा भी वीडियोस बना सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।